राजधानी दिल्ली से आएंगे और मैं मोहम्मद शमीम लाइफ ओके ब्यूरो चीफ इलाहाबाद। मैं इनसे ये पूछने आया हूँ कि आपके यहाँ जो जिम बच्चे लोग कर रहे हैं, आप इन लोगों को जो शिक्षा दे रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, जो तरकीब बता रहे हैं, आखिर आपने अब से लेकर कब तक कितने बच्चे आपने तैयार किए और आपके बच्चे कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, आपने जिनको जिनको सिखाया है, क्या वो बच्चे आगे बढ़कर इस काम को अंजाम दे रहे हैं? आइए मोहम्मद मोहसिन से कुछ सवाल किया जाए। सर आप इसमें कम कब से हैं आप पास? इस लाइन में 3 साल से। जोर से बोलिए, इस लाइन में 3 साल से। 3 साल से आप पहले यही आए कि और भी क्या? नहीं ऐसा होता ना, जिम लाइन में हम पर्टिकुलर एक जिम में कभी नहीं होते, हम जगह जगह जाते रहते हैं, तो इसी हिसाब से डिसाइड करते हैं जहाँ हमें अच्छा लगता है, जहाँ पे हमारा कोच अच्छा हो, जहाँ पे फैसिलिटी अच्छी मिलती हो, जहाँ पे सामान अच्छे होते हैं, एकदम वहाँ पे अपना बनाते रहते हैं। हमने अभी ऐसे आया था 3 साल पहले, अभी सिटी में आया था, दरअसल ये जिम का आइडिया आया था मुझे मेरे दोस्त, उसकी फिजिक्स बहुत अच्छी थी, तो उसके साथ वो मेरे जिम ज्वाइन करता था, वो ज्यादा फेमस थी मेरे में, तो उसके साथ मैंने जाना शुरू किया। मेरा एक मेरे घर के बगल में है, उनके है ना, उनके पास जाना शुरू किया, फिर वहाँ से करते करते हैबिट बनी, अच्छा लगा, लगा कि हाँ भाई शरीर नाम का अच्छा चीज़ होता है, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उससे उसका जो है स्टेप होती है, चीज़ों को समझा मैंने, फिर इस लाइन को मैंने पकड़ा, फिर सोचा इस लाइन में करियर बनाना है, तो इस करते सीधे सीधा इस प्रकार पहुँचा मैं। आप जनता को ये बताइए कि इसमें फायदा कितना है ताकि लोग इसमें जुड़े आप? देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है ना कि फायदा इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि जिम यानी कि बॉडी बिल्डिंग जो होता है हमारी पर्सनल बॉडी खुद के लिए होता है, बॉडी बिल्डिंग भी मात्र एक ऐसा स्रोत है जो इंसान अपने लिए करता है, क्योंकि अगर मम्मी हो, पापा हो, चाहे दोस्त हो, कोई भी इंसान आपको सीधे कहेगा कि आपका पेट बाहर आ रहा है या बेटा आप कमजोर हो रहे हो, पापा पैसे दे देंगे, मम्मी चीज़ें बना के दे देंगे, लेकिन मेहनत आपको करनी है, आपको डिसाइड करना है कि आपका आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से कह रहे हो शायद चाणक्य का नाम भी सुना हो, उसने भी कहा है कि हर काम में हर चीज में स्वास्थ्य को आगे रखो, इंसान का स्वास्थ्य अच्छा रहता है भाई तो सब कुछ अच्छा रहता है, तो वही मेरा कंसर्न है, मेरा कंसर्न ये है कि खुद भी अच्छा रहो, खुद भी अच्छी हेल्थी बनाओ, और जो अपनी जो चीज़ें तुमने सीखी है उसको बढ़ाते रहो, लोगों को देते रहो, देखने ज्ञान बांटने से बढ़ता है, मैं वही करता हूँ, मैं इतने सारे और भी बच्चे हैं स्टूडेंट हैं मेरे, सबको वही कराता हूँ, सिखाता हूँ, चीज़ों को बताता हूँ, ताकि उनकी भी जो हेल्थ है अच्छी रहे, कल को अगर वो 10 के बीच में खड़े हो तो एक अलग रुतबा हो। जैसा कि ये बताइए जैसे किसी का पेट निकला हो, तो आप अपनी तरकीब से बताइए कि वो पेट को कैसे सही है। देखो पेट निकलने का कंसर्न ये होता है, पेट निकला यानी कि बॉडी में कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट की मात्रा ज्यादा होती है, यानी कि बंदा जो है खा बहुत ज्यादा रहा है और आराम कर रहा है, यानी कि बॉडी एक्टिविटीज की बहुत कम होती है, तो मैं वही कहूँगा सबसे मेन चीज़ देखो, चाहे वेट गेन करने का मसला हो, चाहे वेट लॉस करने का मसला हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बंदे का डाइट, दोनों में डाइट डिपेंड करता है, तो डाइट में अगर बंदे को वेट कम करना है, पेट कम करना है, तो उसको अपना डाइट बिल्कुल लाइट करना पड़ेगा, प्लस एक तरह की एक्सरसाइज होती है कार्डियो फंक्शन ट्रेनिंग वगैरह जो हम स्पेशली करवाते हैं यहाँ पे लोगों को वेट लॉस करने वाले को, तो वो उसको मैं डाइट दूंगा कि वो करें, चाहे वो जिम में कर लें, चाहे अपना पार्क में अपना कर लें, मतलब ज़्यादा बेस्ट है कि जिम में ही आगे करें, ताकि और चीज़ें, क्योंकि हर जगह पर ना पूरी चीज़ें नहीं होता, जिम इसलिए बनाई गई है ताकि उस चीज़ को पूरी चीज़ मतलब पूरी तरह से कर सके। अभी के टाइम पे 100 बंदे हैं मेरे इंटरव्यू में, सुबह शाम मिला के उसमें से कितने तैयार कर लिया आपने? तैयार में तो देखो मेरे सामने कम से कम मैंने 25-30 में तैयार कर, ठीक है, जो मैंने पंद्रह जो मेरे सामने से बस और भी पहले गए थे, लेकिन जो नजर के सामने वो 25-30 है, बाकी जो और किए हैं आज सब अब कोई हमेशा के जिम में रहा नहीं, कोई कहीं चला गया, कहीं चला गया, लेकिन ये है कि आज भी याद होता है, सब लोग फोन वोन करते रहते हैं, पूछा जब भी वो कुछ डाइट चाहिए होता है, किसी तरह सप्लीमेंट का सजेस्ट करना होता है, तो मुझसे वो पूछा बच्चे कर लेते हैं, मतलब रहते हैं। आज हमारे समस्त मोहम्मद साहब थे जो कि हम उनके पास
जिम के लिए आए थे कि आखिर वो कैसे इंतजाम करते हैं, लोगों को कैसे सिखाते हैं और क्या उनकी इस कारनामे से लोग संतुष्ट हैं और लोग खुश हैं। तो उनसे हमने जो भी खबर लिया है उन्होंने यही बयान दिया है कि इन्होंने 100 लोग इनके पास हैं जिसमें से 25 इन्होंने तैयार कर लिए हैं और कुछ बाहर रहेंगे जिसमें से कुछ लोग बाहर हैं, कभी फोन भी करते हैं। तो आप जो इस काम को अंजाम दे रहे हो, काम आपका आगे बढ़ रहा है, तो आप हमेशा के लिए मोहसिन भाई इसमें जुड़े रहना चाहते हैं कि कुछ साल या कुछ दिन? नहीं, मैंने तो अपना करियर सोच रखा है इसमें। अगर ये सोच रखा है तो बहुत अच्छी बात है। और मैं ये कहूँगा कि कोई भी काम लोग जिंदगी भर को नहीं सोचते, एक मिजाज बनाना पड़ता है जिंदगी भर के लिए, वरना ये समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, कौन सा काम करें। लेकिन एक मिजाज बन गया कि मैं यही करूंगा जिंदगी भर, तो कामयाबी जिंदगी भर इसी में मिलेगी। वो आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं जिस काम में आपको मजा है उस पर अगर आप ध्यान दो तो उसमें ज्यादा जल्दी तरक्की मिलती है। अब मुझे जिम लाइन में अच्छा लगता है, मतलब जिम लाइन ऐसी लाइन है कि अगर मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है, मुझे अच्छा लगता है बॉडी बिल्डिंग करने में, मुझे लगता है कि अगर मैं इसको बेहतर कर सकता हूँ। हालांकि ऐसा नहीं कि मैं प्रॉपर एक प्रोफेशनल ट्रेनर हूँ, लेकिन मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है चीज़ों को, और भी ये चीज़ें भी खत्म नहीं होती है, पढ़ाई होती है उससे ये लाइन खत्म होती है। इसमें जितना आप सोचोगे लेकिन जितना डिग्री जाओगे उतना सीखने को मिलेगा। जैसे कहा जाता है कि जब तक आदमी पढ़ाई करे तो उसकी पढ़ाई कभी मुकम्मल तौर से पूरी नहीं होती, तो वही हिसाब इसमें भी है कि चाहे जितनी इसमें कामयाबी महारत हासिल कर ले लेकिन कोई कह नहीं सकता कि पूरी जिंदगी हमने कामयाबी हासिल की, पूरी जिंदगी का कर लिया कभी नहीं। तो जितना इसके अंदर जाओ उतनी नॉलेज होती है, उतनी नॉलेज होती है, नॉलेज होने से अच्छी होती है किसी की। अच्छा, तो हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद मोहसिन साहब जो कि दिल्ली राजधानी से जुड़े थे, और मैं इनका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आपने कुछ टाइम दिया हमारे को, हमने आपसे मुलाकात किया और कुछ आपसे जानकारी लिया। और इस वक्त कैमरामैन जो हमारे साथ हैंगे वो सुंदर हैंगे, जो आप बहुत ही जानकार और बहुत ही अच्छे हैंगे और आप बहुत बेहतरीन वीडियो बनाते हैं। मैं मोहम्मद शमीम इलाहाबाद से, यूपी उत्तर प्रदेश, ब्यूरो चीफ।